अगर हमको सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चाहिए या फिर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चाहिए, और वो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो इस सेंटेंस को हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में या फिर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कैसे बदलते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो हमको ये देखना होता है उस सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर है वो क्या है, और पैसिव वॉइस है तो फिर उस हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा तो हैज और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैज या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, और वही सेंटेंस हैज या हैव के साथ में अगर बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती फिर सेंटेंस पैसिव वॉइस। ये याद रखना है कि अगर हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है फिर हमारा जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में, और अगर हैज या हैव के साथ में बीन आता है और फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो हमारा सेंटेंस पैसिव। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते टाइम पे आपको एक्टिव वॉइस में हैज या हैव लगेगा और मिला मिलेगा और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो पैसिव वॉइस में आपको क्या करना हैज और हैव के बाद में बीन लगा देना है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड। तो आसान है, इट्स अ वेरी सिंपल। ही हैज फिनिश्ड द वर्क, और यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट है एंड इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द, ये दिया गया। तो क्या करते हैं हम, आपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा आपने, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उस पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है, राइट। द वर्क हो गया और हैज फिनिश्ड की जगह पर हैज बीन फिनिश्ड कर दिया गया, यहाँ पर दिया है ना हैज हैव की जगह पर हमको हैज या हैव फिर बीन लगा देना है फिर वर्क की था। तो द वर्क हैज बीन फिनिश्ड और ही क्या होगा, ही विल बी चेंज्ड इनटू बाय हिम, ही बाय हिम में चेंज हो जाए, एक एक करके देख। सेंटेंस इज गिवन ही हैज बॉट अ कार, उसने कार खरीद लिया, तो हम भैया क्या करते हैं सबसे पहले हम आ कार को इधर ले आते और उसके बाद में हैज बॉट है, हैज बॉट की जगह पर हम हैज बीन बॉट, तो हम यहीं रहे। और फिर जब थर्ड स्टेप जो है ही का बाय हिम हो जाता है, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है हमको अ कार, फिर हैज बॉट की जगह पर हैज बीन बॉट, और जो भी है तो इधर आएगा बाय ही, यहाँ पर अ कार हैज बीन बॉट बाय हिम। बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल है, दे हैव सोल्ड दियर हाउस, उन्होंने अपना घर बेच दिया, तो दियर हाउस पहले आएगा, पहले क्या आएगा दियर हाउस, और इस हैव की जगह पर, इस हैव की जगह पर हैज बीन का यूज करेंगे, यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो जो हैव है ना ये किस सब्जेक्ट के लिए लगा है, दे के लिए लगा है, दे प्लूरल है इसलिए हैव लगा है, और यहाँ पर दियर हाउस है उन लोगों का घर है, उन लोगों का घर है, उन लोगों के घर नहीं है, उन लोगों का घर है, सिंगुलर है, हाउसेज नहीं है, हाउस है, इसलिए क्या लगेगा हैज, दियर हाउस हैज बीन बाई देम। एग्जाम्पल देखते हैं, सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है, नेगेटिव सेंटेंस में आपको हैज नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी, ही हैज नॉट बॉट अ कार, सबसे पहले वही फॉर्मूला वही ट्रिक, आ कार सबसे पहले आ जाएगा, ये जो तो आ कार है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर पैसिव है सेंटेंस का सब्जेक्ट बनकर आएगा। ओके, हैज नॉट बॉट की जगह पर हैज नॉट बीन बॉट हो जाएगा, हैज नॉट बीन बॉट। ओके, और ही की जगह पर बाई हिम, अ कार हैज नॉट बीन बॉट बाई। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं,
हैव नॉट सोल्ड दियर हाउस, दे हैव नॉट सोल्ड दियर हाउस, सबसे पहले सेंटेंस में हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ना दियर हाउस, इसका है पैसिव वाइस में ये सब्जेक्ट बनकर आएगा, दियर हाउस सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि सुगर है, इसलिए हैज लगा दिया, नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया, बीन हम को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि पैसिव वाइस बना रहे हैं। दियर हाउस हैज नॉट बीन, और सॉल्ट ऑलरेडी यहाँ पर थर्ड फॉर्म में है तो सोल्ड और दे का क्या हो जाएगा, बाई दे, दियर हाउस हैज नॉट बीन सोल्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे करते हैं, यस नो टाइप का अगर होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप का होगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भैया यहाँ आएगा और सब्जेक्ट जोड़कर यहाँ आएगा, वॉट यहीं पर आएगा और हेल्पिंग वर्ब है तो वो भी पहले, ठीक है, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके बाद में फिर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनकर आएगा, ठीक है। तो हैज है, हमने पहले क्या लिख दिया, हैज, पहले हैज को रख दिया, और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है ना वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट, हैज अ कार, बीन हम इंक्लूड करेंगे, बीन हम शामिल करेंगे, और बॉट ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बॉट ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ही है तो बाई हिम, हैज अ कार बीन बॉट बाई हिम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यस नो टाइप का, हैव दे सोल्ड दियर हाउस, क्या उन्होंने अपना घर बेच दिया है, हैव दे सोल्ड दियर हाउस, तो हैव की जगह पर हैज लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि दियर हाउस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो है इसलिए हैज, यहाँ पर दियर हाउस इसका ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट बनकर आ रहा है, हैज दियर हाउस बीन जोड़ देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, और नीचा है उन्होंने यहाँ पर दे है, देख जहाँ हो जाएगा बाई दे है तो बाई दे, ये समझ में आ रहा है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना इसका प्लेस यहीं पर रहता है, हेल्पिंग वर्ब यहीं पर रहेगी, सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो फिर आ जाएगा पहले, और ये जो वर्ब है ये वर्ब यहीं पर रहेगी, और ये जो सब लास्ट में जाएगा इसमें बाई लग जाएगा और वो ऑब्जेक्टिव बेस पे चेंज हो जाएगा। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, अगर डब्ल्यू एस टाइप का होता है तो फिर हम चेंज करेंगे। पहला एग्जांपल दिया गया है, हु हैज बॉट अ कार, किसने कार खरीद लिया, हु हैज बॉट, इंक्वायरी करता है, सब्जेक्ट की इंक्वायरी कर रहा है, तो अगर सेंटेंस में हु पहले आता है ना तो हम बाई होम लगाकर सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, बाई होम उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ये जो हु है, ये जो हु है ना यहाँ पर बाई होम हो जाएगा, उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बाई होम हैज के बाद में क्या करेंगे, आ कार को और फिर बॉट को बाद में, बाई होम हैज अ कार बीन बॉट, बीन तो भी लगाना ही जरूर, नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस पैसिव वाइस पे चेंज होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गिवेन, वाई हैव दे सोल्ड दियर हाउस, उन्होंने अपना घर क्यों बेच दिया, रीजन पूछ रहे, वाई वाई रीजन की इंक्वायरी करते हैं, वाई हैव दे सोल्ड दियर हाउस, उन्होंने अपना घर क्यों बेच दिया है, तो क्वेश्चन वर्ड की जगह पे क्वेश्चन वर्ड आता है, याद रखना जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है तो वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आएगा, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा, जहाँ पर मेन वर्ब है वहाँ पर मेन वर्ब आएगा, चेंज सिर्फ क्या करना है, ये जो प्लेसेस हैं ये चेंज, इनकी जगह चेंज हो जाएगी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह को चेंज कर दें, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, वाई आएगा, फिर उसके बाद में हैव आएगा, यानी हैव की जगह पर हैज हो जाता है तो वो आएगा, उसके बाद में फिर दियर हाउस, बाद में बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और दे है तो बाई देन हो, वाई हैज दियर हाउस बीन सोल्ड बाई देम। क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन
क्वेश्चन हमने दिया है तो आप ट्राई करिए. हैव यू टेकन योर लंच, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू टेकन योर लंच. हु हैज ब्रोकन द ग्लास ऑफ दिस, हु हैज ब्रोकन द ग्लास ऑफ दिस विंडो. नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, ही हैज ऑफर्ड मी अ न्यू जॉब. इन इन सेंटेंसेस को आप करिए, उसके बाद कमेंट करके बताइए कि आप कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल.